भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री युवराज सिंह जी के समर्थन में उमड़े हुए इस जनसमूह को संबोधित करने के लिए यहां पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और इस क्षेत्र की बेटी साथी रंजन ज्योति जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्रीगण श्री अशोक कटारिया जी, श्री राजेंद्र सिंह भुज सिंह जी, जयप्रकाश निषाद जी, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, मनोहर लाल पंत मन्नू कोहली जी, अजीत पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री अरुण पाठक जी, जिला अध्यक्ष हमीरपुर श्री संत विलास शिवहरी जी, माननीय विधायक श्री श्रीमती मनीषा हजारी जी, लोकेश प्रजापति जी, अविनाश सिंह चौहान जी, ब्रजकिशोर गुप्ता जी, प्रांशु द्विवेदी जी, बाबूराम निषाद जी, कुलदीप निषाद जी, श्रीमती जयंती राजपूत जी, पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत जी, माननीय सांसद आर के पटेल जी, माननीय विधायक ब्रजेश प्रजापति जी, प्रकाश द्विवेदी जी, राकेश गोस्वामी जी, रामरतन कुशवाहा जी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी बुंदेलखंड और हमीरपुर के मेरे भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम इस पवित्र स्थल के जो स्वामी हैं पूज्य स्वामी रोटी राम बाबा जी की समाधि स्थली को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके सानिध्य में हम सबको यह कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, वैसे भी बुंदेलखंड की धरती अपनी वीरता के लिए, अपनी धीरता के लिए, अपनी गंभीरता के लिए, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के लिए जानी जाती है। आना बदन की कहानी, कौन ऐसा भारत का नागरिक होगा जिसने आना बदन के बारे में न सुना हो, उनकी वीरता के बारे में न सुना हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसका उद्घोष यही था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं लेने दूंगी और 23 वर्ष की उम्र में तिरंगना झांसी की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। मैं बुंदेलखंड की इस धरती को इसलिए भी प्रणाम करता हूं कि जब मुख्यमंत्री में बना था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि अगर प्रदेश का दौरा करें तो सबसे पहले बुंदेलखंड क्षेत्र से इस दौरे की शुरुआत करिएगा। और बुंदेलखंड इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारी सरकार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा है कि आजादी के बाद निरंतर उपेक्षा हुई थी बुंदेलखंड क्षेत्र की। उस उपेक्षा से उभारने के लिए ही आपने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं मूल्यों की रक्षा करने के लिए, उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए
यहाँ पर निरंतर कार्य करने के संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। मैं आभारी हूं हमीरपुर के आप सभी मतदाता भाइयों बहनों का। लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से हमीरपुर से भी चुनाव जिता करके भेजा, बांदा से भी चुनाव जिता करके भेजा। मैं आया था उस समय बहुत गर्मी थी, जब हमीरपुर में सिर्फ पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के लिए सभा करने के लिए मैं आया था। उस दिन टेम्परेचर 47 डिग्री था, लेकिन मैं देख रहा था कि लड़के उस भीषण गर्मी में भी नाच रहे थे, उत्साह से भरपूर थे। वास्तव में वह जज्बा जो मुझे देखने को मिला था, मैं तब विश्वास कर गया था कि बुंदेलखंड भारतीय जनता पार्टी को 100% प्रणाम देगा, और बुंदेलखंड ने प्रणाम दिया। मैं इसलिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, और मोदी जी ने उसका परिणाम भी उसी रूप में दिया है, और बुंदेलखंड को तो बहुत अच्छा लगा होगा जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई होगी, क्योंकि यहां का नौजवान अपनी जवानी व्यतीत करता है, देश की सीमाओं की रक्षा करते थे। जब आतंकवाद का दंश देश को कहीं बसने का तो साहस करता है, तो बुंदेलखंड की जवानी उस आतंकवाद के दंश से देश को मुक्त कराने के लिए अपने आप को बलिदान करता है, और इसलिए आतंकवाद के इस नासूर को समाप्त करने के लिए ही कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया गया है। और याद करना, यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। कांग्रेस, सपा, बसपा, इनसे ये उम्मीद ही नहीं की जानी चाहिए। उनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, इन लोगों के लिए स्वयं की राजनीति और उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है। आप याद करिए, पिछले 5 वर्षों में मोदी जी की सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल सफलतापूर्वक संपन्न हुए, दूसरे कार्यकाल में 100 दिन का उनका कार्य आप देखिए, और 2.5 वर्ष का कार्यकाल आज हमारी सरकार का भी पूरा हुआ है। मैं आप लोगों के साथ एक एक कार्य आपके सामने गिना करके बता सकता हूं, लेकिन भाइयों बहनों, मैं यही पूछना चाहता हूं, बुंदेलखंड के जो कार्य हमारी सरकार ने 2.5 वर्ष के दौरान किए हैं या करने जा रही है, मैं सपा बसपा के दोनों सरकारों के सामूहिक कार्य से उसकी तुलना अगर कर दूं तो 15 वर्ष का कार्यकाल कहीं नहीं ठहरेगा 2.5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, और आप इसकी तुलना जरूर करिएगा। मैं यही कहने के लिए आज आया हूं, सचमुच आपके घरों में दीपावली जैसा उत्सव आया होगा जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई होगी, क्योंकि आतंकवाद के ताबूत पर अंतिम कील थी। अब भारत की धरती में आतंकवाद नहीं पनपेगा, नहीं फलेगा, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो फिर उसके दुष्परिणामों को भी भुगतने की तैयारी करें। भाइयों बहनों, दूसरा कार्य आपने देखा होगा, वह कार्य था नारी गरिमा की रक्षा करते हुए। आप इस बात को महसूस करते होंगे, नारी सशक्तिकरण की चर्चा तो होती थी, कार्य कहां होता था कोई नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया, तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम महिलाओं के कल्याण के लिए प्रारंभ करने के बाद, सदियों से जिस एक कुप्रथा से नारी गरिमा निरंतर और निरंतर आहत होती थी, वह कुप्रथा की तीन तलाक की कुप्रथा से भी भारतीय नारी को मुक्त करने के लिए तीन तलाक की कुप्रथा के खिलाफ जो सख्त कानून बनाया गया, बात देख रहे होंगे कोई दुबई में बैठ करके किसी अरब देश में जाकर के वहां से टेलीफोन से तीन तलाक नहीं दे सकता,
और कहेगा तो फिर जेल भी उसका इंतजार करेगी। भाइयों बहनों, नारी गरिमा का सम्मान ये भारत का सम्मान है, भारतीय संस्कृति का सम्मान है, और वही कार्य केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कर रही है। मैं बुंदेलखंड आता था, बुंदेलखंड में अक्सर लोग कहते थे कि किसान सम्मान निधि का पैसा यहां के किसानों को कैसे मिलेगा। मोदी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, पहली कैबिनेट के बैठक में उन्होंने क्या निर्णय लिया था कि किसान सम्मान निधि में लघु और सीमांत किसानों के बाद सभी किसानों को भी हम इसके दायरे में लेने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, बुंदेलखंड का हर किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पात्रता रखता है और उसको इस सम्मान निधि के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। 1,57,00,000 किसानों को अब तक हम लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ चुके हैं, जिसमें उसे 6,000 रुपए सालाना मिला करेगा, और जो किसान छूटा है उसको भी हमने उसके नाम को भी अपलोड करने की कार्रवाई करते हुए आगे उसकी स्क्रीनिंग की कार्रवाई चल रही है। सभी किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। भाइयों बहनों, सदियों से धरती वास्तव में उपेक्षा की शिकार रही। जब हम देश की स्वाधीनता की बात करते हैं, प्रथम स्वतंत्र समर की रणभूमि के रूप में जहां कई मोर्चे बंधी हुई थी, बुंदेलखंड उसका आधार बना था। कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उसका नेतृत्व कर रही थी, कहीं पर कोई और उसका नेतृत्व कर रहा था, बुंदेलखंड उसका एक प्रमुख आधार स्तंभ बना था। और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में निवेश की बात हुई तो हम लोगों ने एक काम किया, मैंने प्रधानमंत्री से उनको अनुरोध किया, मैंने कहा कितना अच्छा होगा कि अगर हम लोग डिफेंस कॉरिडोर का आधार बुंदेलखंड को बनाए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड को जब मैं पहले विजिट में बुंदेलखंड आया था तो मैंने कहा था कि बुंदेलखंड में एक एक्सप्रेस हाईवे हम लोग बनाएंगे। आज आप 2 महीने के अंदर ही आप देखना, प्रधानमंत्री जी से हम लोग शिलान्यास कराने जा रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का बनने का मतलब बुंदेलखंड के विकास का आधार वह एक्सप्रेस वे बनने जा रही है। बुंदेलखंड का आधार वहां से आगे बढ़ने जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हम लोग चित्रकूट, झांसी, हमीरपुर, आसपास का जितना भी क्षेत्र होगा, यहां पर अब केवल यहां का जवान ही भर्ती होने के लिए सेना में नहीं जाएगा, बल्कि बुंदेलखंड की धरती पर तोप और मशीन गन भी बनेगी और फाइटर विमान भी यही की धरती पर बनेगा, यही पर जाकर के प्रशिक्षण यहां पर होगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर यहां के विकास का आधार बनने जा रहा है। लाखों नौजवानों को रोजगार और नौकरी की संभावना के साथ देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने और देश के दुश्मनों के ताप खट्टे करने के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर देश की सुरक्षा का एक बेहतर आधार बनने जा रहा है। और उसकी भूमि भी, केंद्र भूमि भी, उसकी धुरी भी हमने बुंदेलखंड को रखा है। कितना बड़ा आयोजन बुंदेलखंड की पूरी कायाकल्प करके हम लोग रख देंगे। और यही नहीं, हर घर नल की योजना बुंदेलखंड के लिए, मैं आज सोच रहा था जब मुझे लखनऊ से चलना था, लखनऊ में परसों से बारिश पड़ रही है, लगातार बारिश, आज भी दोपहर में बारिश थी। 2.5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता थी, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। जब मैं हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए आया, मेरे पास साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी थे, तब भी भीषण बारिश पड़ रही थी। इतनी भीषण बारिश में सोच रहा था हमीरपुर कैसे जाऊंगा, पिछली बार भी मेरा आने का कार्यक्रम था, नहीं आ पाया।
सुषमा स्वराज जी का आकस्मिक निधन होने के कारण मैं इस कार्यक्रम में उस दौरान भी नहीं ले पाया। उसके बाद मेरे अन्य जगह कार्यक्रम लगे हुए थे। मेरी इच्छा थी कि चुनाव के पहले आकर के यहाँ के लोगों को कुछ सौगाते दो, लेकिन दौरान कार्यक्रम नहीं बन पाया। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, सुशासन और विकास की जो सुदृढ़ नींव के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, प्यार से भारतीय जनता पार्टी उसको अदा करने की पूरी स्थिति में आपके साथ है। क्योंकि हमारे यहां न जातिवाद है, न भाई भतीजावाद है, न कोई परिवारवाद है और न कोई मत और मजहब का वाद। यहां तो एक ही वाद है और वह है प्रदेशवाद। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना, और उस कार्य के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। उपचुनाव कोई असर नहीं पड़ना सरकार के बनने बिगड़ने पर, लेकिन हां सरकार की गति पर असर जरूर पड़ता है। गति आपके स्थानीय विकास पर असर जरूर पड़ता है। सत्ताधारी दल का विधायक होना अपने आप में विधायक के ताकत को बढ़ाता है, उसकी गरिमा को बढ़ाता है, उसके तेज को बढ़ाता है और उससे विकास एक नई गति पकड़ता है, एक नई गति के साथ आगे बढ़ता है। और इसीलिए चुनाव के पहले हम लोगों ने तय किया बुंदेलखंड के हर गांव में शुद्ध पाइप पेयजल की योजना लेकर के जाएंगे। और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बुंदेलखंड के लिए 9,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार पहले ही स्वीकृत कर चुकी है कि हर गांव में शुद्ध पेयजल का कार्यक्रम पहुंचना चाहिए। आगामी 2 वर्ष के अंदर बुंदेलखंड के अंदर हर गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध होगी। जब 2022 में हम चुनाव में आएंगे तब तक बुंदेलखंड के गांव में पेयजल की व्यवस्था आपको मिलेगी। तब यहां पर पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, पानी टैंकर से नहीं पाइप से आपके घर में पहुंचेगा। कहीं पर हम नदियों से लाएंगे, कहीं पे ग्राउंड वाटर का उपयोग करेंगे, कहीं पे डैम के पानी का उपयोग करेंगे, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करेंगे। पेयजल का उपयोग एक खाना पूर्ति नहीं होगी, जहां एक और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की कार्रवाई होगी, वहीं साथ ही साथ हमारी उन परियोजनाओं को पूरा करने, जो परियोजनाएं कृषि सिंचाई की दृष्टि से यहां के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करना। उन योजनाओं पर धनराशि की व्यवस्था हम कर चुके हैं। विगत 2.5 वर्ष के दौरान 2,67,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा हमारी सरकार ने दिया और इस वित्तीय वर्ष के समापन के साथ हम 14,00,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देने जा रहे हैं, और जिसमें बुंदेलखंड की ज्यादातर योजनाएं होंगी, जिन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई सरकार करने जा रही है। भाइयों बहनों, इन सिंचाई की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही आप देखते रहे होंगे बुंदेलखंड सबसे ज्यादा परेशान था, वह था अन्ना प्रथा से। अन्ना प्रथा हमने उसका समाधान निकाल दिया है। वह कोई चीज थी, डकैत तो लगभग लगभग सब लगता धरती से गायब हो गए होंगे, लेकिन बाकी अन्य चीजें भी गायब हो जाएंगी, समस्याएं भी गायब हो जाएंगी। अन्ना प्रथा के लिए हमने गो आश्रय स्थल के लिए पैसा दिया है, वह काम प्रशासन का है, पशुपालन विभाग है, वह काम करेगा, लेकिन साथ साथ किसान की आमदनी को इसके साथ जोड़ने के लिए भी हमने कार्य किया है कि अगर जिलाधिकारी और पशु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी किसी किसान को 4 गोवंश तक देता है और वह किसान अपने घर में रहकर के उस गाय का पालन पोषण करता है, उसकी सेवा करता है, किसान को पुण्य भी मिलेगा और साथ साथ सरकार हर गोवंश के लिए 900 रुपया प्रतिमाह उस किसान को उपलब्ध कराएगी, यानी 4 गोवंश पे 3600 रुपया। 3600 रुपया
किसान की अपनी आमदनी, और कल ही आपने देखा होगा हमने एक प्रदेश में बायो फ्यूल की एक नई इकाई का शिलान्यास किया है। बायो फ्यूल क्या है, इसके लिए कहीं और जगह से नहीं व्यवस्था कर रही है, किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए। आप जब खेत से फसल काटते हैं तो पुआली बच जाती है, जो खरपतवार बच जाता है, इसको किसान अगर इकट्ठा कर लेगा, जो गाय है उसका गोबर या गाय जो खाती है उसके बाद जो बच जाता है, जिसको वेस्ट में डाल दिया जाता है, इन सब को इकट्ठा करके अगर आप बायो फ्यूल चलाने वाली कंपनी को उपलब्ध कराएंगे, इसका भी पैसा मिलेगा, सबका पैसा मिलेगा, गोबर का भी पैसा मिलेगा और खरपतवार का भी पैसा मिलेगा, किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए। कल एक यूनिट का शिलान्यास हम लोगों ने किया है और पूरे प्रदेश में सभी 75 जनपदों के लिए इस प्रकार की यूनिट लगाने की कार्रवाई के लिए हमने आगे कार्य करने के लिए कहा है। इस यूनिट लगाने के साथ वो रक्षा भी होगी, गाय को जो आप अपने घर में रखेंगे पालेंगे उसके लिए सरकार पैसा आपको दे ही रही है, लेकिन गाय का गोबर भी आप बेचेंगे उससे भी आपको पैसा मिलेगा। तीसरा, हम इसके साथ एक और कार्य जोड़ने जा रहे हैं। अब तक आप देखते थे कि गाय बछड़ा होता था तो लोग थोड़ा वो होते थे कि बछड़ा हो गया, लेकिन अब एक नई तकनीक आ गई है और वो तकनीक को हमने बुंदेलखंड में सबसे पहले देने के लिए कहा है कि गाय ब्याई तो उसकी बछिया ज्यादा हो, 90% तक बछिया हो और वो बछिया उन्नत नस्ल की हो। अगर आपके यहां गाय 500 मिलीलीटर आधा किलो दूध देती है, आधा किलो दूध देने वाली गाय, तो उसकी आने वाली बछिया को इस रूप में आगे उस बछिया को का संवर्धन करो कि वह 5 किलो तक दूध देने लग जाए। और तकनीक हम बुंदेलखंड को पशुपालन विभाग से उपलब्ध करवा रहे हैं। अन्ना प्रथा हमेशा के लिए समाप्त हो, गाय सड़क और खेत पर न रह करके किसान के घर में हो, उसके घर की शोभा भी बढ़ाए और साथ साथ उसकी समृद्धि में भी सहायक हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। और भाइयों बहनों, पैसा हम देने को तैयार हैं, योजनाएं हम देने को तैयार हैं, हर स्तर पर इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने को हम तैयार हैं। आप सबका सहयोग इस संबंध में सरकार को चाहिए। और भाइयों बहनों, उसी दृष्टि आज आप सबसे यही अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। आपने 2.5 वर्ष के दौरान सरकार के कार्य को देखा होगा, 2.5 वर्ष के दौरान सपा बसपा की सरकारों को भी आपने देखा होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मना सकते थे, हमारे पर्व और त्यौहार उत्सव के माहौल में होने चाहिए, खुशी के माहौल में होने चाहिए, लेकिन किसी भी पर्व और त्यौहार के पहले इतना उपद्रव होता था, इतनी राजकता फैलती थी, शांतिपूर्ण ढंग से करने की बजाय लोगों के मन में भय और दहशत होता था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं प्रदेश के अंदर कोई भय और दहशत का माहौल नहीं, आम पब्लिक किसी भय और दहशत में रहने की आवश्यकता नहीं, भय और दहशत में अपराधी रहेगा, अपराधियों का संरक्षण दाता रहेगा, लेकिन आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार लेगी, प्रदेश की पुलिस लेगी। भर्तियों की सिलसिला तो प्रारंभ हुआ, 2.5 वर्ष में 2,25,000 नौजवानों को अपनी सरकारी नौकरी दी, एक भी नौकरी पर कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता कि किसी ने पैसा देकर मेरी नौकरी ली है। अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, इस सरकार की प्राथमिकता है। यही नहीं, रोजगार के सृजन के साथ ही प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने के लिए भी हम लोगों ने बड़े पैमाने पर कार्य करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो,
या फिर स्वच्छ भारत मिशन में प्रत्येक गरीब परिवार को शौचालय देने की कार्रवाई, किसानों के कर्ज माफी का हो या एमएसपी के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य से निपटान किसानों को देने की कार्रवाई, सरकार ने सफलता पूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आम जन के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया है और उस खुशहाली के साथ आप सबको जोड़ने के लिए ही आज मैं आपके बीच में आया हूं। ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, हमीरपुर के लिए महत्वपूर्ण है, हमीरपुर के विकास की गाड़ी को दुगनी गति से आगे बढ़ाया जा सके और उसको बढ़ाने के क्रम में आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री युवराज सिंह को अपना प्रत्याशी आपके बीच में बना करके भेजा है। भाइयों बहनों, सर्वसम्मति से पूरे बुंदेलखंड और पूरे हमीरपुर के कार्यकर्ताओं ने, हमीरपुर के हर कार्यकर्ता ने श्री युवराज सिंह के समर्थन में अपना वक्तव्य भेजा था कि इन्हें हमारा प्रत्याशी बनाया जाए और जो आपकी पसंद थी वह प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने आपको दिया है। आप सबसे अपील, जो कार्य लखनऊ में हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर के लिए होने जा रहा है, एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ने जा रहा है, पेयजल की योजना के साथ बुंदेलखंड को जोड़ने जा रहे हैं, अन्ना प्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने का जो बीड़ा उठा करके डेयरी उद्योग के लिए आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमीरपुर से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक चाहिए और विधायक के लिए श्री युवराज सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में दिया है। आप सबसे अपील है, चुनाव के दिन उपचुनाव में अक्सर होता है कि लोग अक्सर शांति से बैठ जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं, या कि आपको विश्वास चुनाव में पता ही नहीं होना चाहिए। चुनाव में प्रत्येक मतदाता पहले केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को, जनहितैषी कार्यों को ध्यान में रखकर के, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो रहे कार्यों को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को ध्यान में रखकर के सबसे पहला सुबह जग समय में जागरण हो और उसके साथ ही आपकी कार्रवाई प्रारंभ हो कि आप सबसे पहले जाइए, पूजा पाठ करिए, मंदिर में जाइए, अपने घर में स्नान करिए और सुबह मतदान प्रारंभ होने के साथ ही मतदान स्थल पर लाइन पे लग जाइए, कमल छाप पर एक एक बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से चुनाव जिता करके भेजिए। विकास की जिम्मेदारी को हम लोग स्वयं ले लेंगे, आपके साथ साथ हमारे विधायक और हमारे मंत्री का हम सब ले लेंगे। यही अपील आप सबसे करते हुए मैं पानी को ग्राम देता हूँ, श्री युवराज सिंह को भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील करते हुए पानी को देता हूँ। धन्यवाद, आप सबकी शुभकामनाएं, जय श्री राम।